दीपिका कक्कड़ की प्रेगनेंसी के बीच पति शोएब को मिला दूसरा प्यार। क्या खतरे में पड़ी है दीपिका की शादी? आखिर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्यों इस तरह की बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की शादी, बिग बॉस की एक्स विनर की शादी, ससुराल से मरका की दीपिका की शादी खतरे में पड़ गई है? पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वेल दोस्तों, दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और सुर्खियों में रहने की वजह है कि ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ पर ब्लॉग्स बनाते हैं, उन ब्लॉग्स को यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, और उसके बाद कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी इनकी पर्सनल लाइफ पर कुछ और कमेंट्स आते हैं, लोग ट्रोल करते हैं तो ये जवाब देते हैं। होता ये है इस सब में कभी एटीट्यूड की वजह से, कभी पर्सनल लाइफ में हो रही कुछ चीज़ों की वजह से इन दोनों को अक्सर ट्रोल कर दिया जाता है, और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल दीपिका ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने शोएब को मेंशन किया, और शोएब को मेंशन करते हुए पोस्ट के नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा, एंड ही इज़ बिज़ी विद हिज फॉरएवर लव। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, लोगों ने इस फॉरएवर लव को जोड़ लिया कि शोएब की ज़िंदगी में कोई और है और दीपिका को कहीं ना कहीं वो धोखा दे रहे हैं। इसके बाद इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी कि दीपिका की शादी खतरे में पड़ गई है और शोएब की ज़िंदगी में दीपिका की प्रेगनेंसी के बीच कोई और आ गया है। लेकिन यहाँ ये पोस्ट एक्चुअल में दीपिका ने मजाक में की थी। शोएब उस वक्त अपने फ़ोन के साथ बिजी थे और दीपिका ने सार्कास्टिक वे में, फ़नी वे में ये पोस्ट किया था कि भाई वो अपने फॉरएवर लव अपने फ़ोन के साथ बिज़ी हैं। इस वक्त दीपिका और शोएब जो है वो अपने बेबी मून को एंजॉय कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार शेयर कर रहे हैं, पर इन पोस्ट के बीच, इन ब्लॉग्स के बीच वो ट्रोल भी हो रहे हैं, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और जिस तरह का वीडियो शेयर करके उन्होंने अभी जवाब दिया है कुछ ही वक्त पहले, उस पर फैंस अब उन्हें घमंडी और एटीट्यूड वाला बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या लगता है आपको, अपनी पर्सनल लाइफ को इस हद तक सोशल मीडिया पर शेयर करना कितना सही है और कितना नहीं, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो।